हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति यादव। और मैं साक्षी यादव। और हमारे ट्यूशन टीचर मिस्टर पीके सर। आज हम एक ऐतिहासिक जगह ट्यूशन की तरफ से जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस स्थान है। आज ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे फ्रेंड्स है, तो फिर मिलते हैं आगे। हमारे नारनौल के बहुत फेमस स्थान केसरिया धाम में अब हम हनुमान जी का आशीर्वाद लेके हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम आ चुके हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जोशी की पहाड़ी के ऊपर, और अब हमारा पूरा इसके ऊपर जाएगा। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं, मतलब अभी हमने आधी पहाड़ी को क्रॉस नहीं किया है और अभी हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं गाइस। तो गाइस ये है ना, अब हम थके तो हैं पर हमारी टीम ने हार नहीं मानी है अभी तक। और जैसा कि आप नीचे का व्यू देख सकते हो, हमने कितनी ऊंचाई पूरी कर ली है यहाँ से। हर घर और ये इंसान चीटिया के सम्मान दिख रहे हैं, और आप ये व्यू देख सकते हो। तो गाइज अभी तक हम आए हैं तो हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है गाइज। और गाइज अभी थोड़ी देर पहले हम जोशी हिल्स पे चढ़ रहे हैं, तो है ना बीच में हमारे एक मंदिर आता है वो बाबा बजरंग बली का। और गाइज पहले हमने तो खालडा धाम विजिट किया था, और उसके बाद हम उसी इलाके में डोसी हिल्स पे आए हैं गाइज। और ये बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है हमारा, और अभी हमें आधी से ज़्यादा दूरी तय नहीं की है, तो अभी और दूरी करनी है जितनी हमने तय की है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे ट्यूशन टीचर मिस्टर पीके सर, और गाइज अभी हम तीसरे हिस्से तक चढ़े हैं। तो ये सर हमारी बार बार थक जाते हैं, इनमें कम उत्साह दिख रहा है। बच्चों में बहुत उत्साह है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सर में उत्साह नहीं है। सर बार बार रोक लेते हैं, खुद थक जाते हैं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं गाइज। तो गाइज हमारे तो बहुत मन में है, गाइज ऐसे कह रहे हैं कि है ना तुम तो थक जाते हो पर रुकते। तो दोस्तों अभी है ना इस पहाड़ी से नीचे एक हम मंदिर में गए थे, हनुमान जी के मंदिर में। तो उसके अंदर हमने देखा एक कुंड बना हुआ है, और कहा जाता है महाभारत काल में पांडव ने यहाँ पर आगमन किया था और इस कुंड का निर्माण करवाया था। और कहा जाता है इस कुंड से नहाने से है ना सभी बीमारियां और रोग चले जाते हैं गाइज। और है ना इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि गाइज यहाँ से पानी आता है तो है ना उसमें जड़ी बूटियां मिक्स हो जाती हैं, जिससे कि एलर्जी वगैरह जो त्वचा के रोग हैं वो मिट जाते हैं गाइज। तो गाइज आपको भी इस गांव में विजिट करना चाहिए गाइज, ये नारनौल में है और इसका नाम इस पहाड़ी के ऊपर ही पड़ा है। इस गांव का नाम भी डोसी है और इस पहाड़ी का नाम भी डोसी की पहाड़ी है, ठीक है गाइज। तो गाइज चलते हैं थोड़ी और ऊपर और करते हैं अपनी जर्नी को पूरा। पहुँच चुके हैं इस पहाड़ी की डोसी की पहाड़ी, जो कि बिल्कुल पहाड़ी के चोटी पर स्थित है, जो कि ये बहुत बहुत ऊंचे पर्वत पे हम बिल्कुल नहीं टिके हैं। और ये हमारे फ्रेंड्स जिस पवन सर ने ऐसे कह दिया था कि सभी अपना अपना मोबाइल लेके आए, तो सभी फोटो खिंचवाने में कोई सो रहा है, कोई बिल्कुल नहीं थके गए, सभी के अंदर एक उत्साह है कि हम ऐसी दो चोटी और चढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे पवन सर पीके सर अभी भी बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं है, वो आराम से अपने वीडियो बना रहे हैं। तो फिर अब हम करेंगे इस मंदिर में दर्शन, तो चलिए देखते हैं। अब हम आ चुके हैं, हमने आपको मंदिर दिखाया था वहां पर, वो वहां पर चोटी से, तो वहां से आप नीचे एक गौशाला है यहाँ पर, एक तो गौशाला पे मंदिर और समाधि स्थल बना रखे हैं, और ये कुंड वगैरह हैं। ये ऐसे कहा जाता है कि महाभारत काल के हैं, यहाँ पर पांडव आके नहाया करते थे, और इसमें कुछ अपने आप ही कुएं का पानी ऊपर आ जाता है कुंड में गाइस। और ये गौशाला है, और यहाँ के लोग हैं ना, ये तो हमारी वो है गैंग, और यहाँ के लोग इसे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये चमन ऋषि का वो है मंदिर,
यहाँ पर दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर तपस्या करते थे च्यवन ऋषि, और यहाँ पर च्यवन जो च्यवनप्राश होता है जो तुम खाते हो उसी के यहीं से वो हुआ था शुरू, उनके इनके नाम पर पड़ा है च्यवन ऋषि के। और गाइस ये मंदिर है और ये गौशाला है, और यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं तो खुद का नाम लिख जाते हैं दीवारों पर। और ये हमारी टीम है गाइस, ये बच्चे बैठे हैं हेलो कर रहे हैं आपको, ये सुते हैं यहाँ पर, ये अभी सारे थक गए हैं पर हम अच्छा इंजॉयमेंट चल रहा है अभी हमारा, और यहाँ का अच्छा प्राकृतिक नज़ारा है। और यहाँ पर समाधि स्थल वगैरह है, गाय घूम रही हैं, इनको चारा डाला जा रहा है इनको गायों को, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन है। कुछ लोग ऐसे गुमसुम से खड़े हैं गाइस, और ये चार पांच दिनों से डाय रही है गाइस, उस तरफ है ना गौशाला, गाय बंद है वो देखो इतना सुंदर बच्चा है गाइस। और गाइस यहाँ पर ये हमारी टीम हंस रही है गाइस, तो गाइस तो अच्छी है। कंप्लीट कर लिया और दोस्तों और अब हम नीचे जा रहे हैं। दोस्तों आज का ये सफर मतलब दोस्तों पहाड़ी की यात्रा बड़ी ही रोमांचक रही है, और मेरी आशा है कि आप सब भी यहाँ पर एक बार विजिट करके देखोगे, और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है देख सकते हो पहाड़ी के बीच में, पीछे भी लोग बड़े छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर, और खूब सी धार्मिक स्थल है यहाँ पर, ऐसी बात भी नहीं है। और मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा है। चुके हैं नारनौल की इस प्रसिद्ध जगह जिसका नाम है जल महल, हमारे सारे सहपाठी यहाँ पर खेल रहे हैं, इस सुंदर दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। चलिए अब हम इसको ढंग से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। गाइस तो ये मुगल कालीन की बिल्डिंग्स है गाइस बहुत अच्छे से कर रखा है, और इस पे एक समय में आप देख सकते हो इधर पानी होता था एक टाइम पर अब वो पानी पता नहीं कहाँ हो गया, काफी समय से बारिश भी नहीं हुई है, इसलिए जल का आ चुके हैं चोर गुम्बद के पास, जिसके बारे में ये कहानी है कि है ना मुगलों के जमाने में महल बनाया गया था, और चोर और डाकू इसमें है ना चोरी कर करके इसमें छुप जाते थे, तो इसलिए इसका नाम चोर गुम्बद दिया गया। और है ना अभी मेरे दोस्त है ना इसके साइड में बड़ा सा प्लेग्राउंड बनाया रखा है, और मेरे दोस्त यहाँ पर खेल रहे हैं आनंद ले रहे हैं इसका, और अभी हम है ना कुछ खा भी लेंगे आइसक्रीम वाले के पास से, आइसक्रीम ले रहे हैं खा रहे हैं, और इसके बाद हम इसका आनंद लेंगे।
जैसा कि भैया रोहित ने बताया कि यह एक गुंबद स्थल है। यहाँ के चारों ओर बहुत सारे तरह तरह के झूले, इसको सुभाष नाम पार्क जाना जाता है। हमारे यहाँ से कई तरह तरह के झूले हैं जो कि लोग बार बार आते हैं और यहाँ का मजा उठा के जाते हैं। ये हमारे सारे दोस्त झूलों का मजा उठा रहे हैं। चलो पूछते हैं हमारे दोस्तों का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आप आगे वाले दिनों में इस ट्रिप पे कहीं कहीं घूमने जाओगे? हमें यार बहुत मजे आए और हम उम्मीद करते हैं कि हमें और मौके मिले ऐसी जगह पे जाने में। हमें नॉर्मल सिटी से बहुत जगह देखी है और इंजॉय भी किया है, हमें बहुत मजा आया। तो मैं साक्षी, आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आप ऐसी छोटी छोटी ट्रिप्स पे आगे आओगे? हाँ, मैं छोटे छोटे ट्रिप्स पे आगे आऊँगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हमें ट्यूशन की तरफ से हमें आज तक हिल्स के बारे में सुना ही था, डोसी हिल्स के बारे में, परंतु आज हमने जाके देख ही लिया कि हमने बताया था कि इतने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी जाएंगी, पर हमने उससे भी ज़्यादा देखा। हमें बहुत अच्छा लगा ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को देखकर। हम जल महल तक गए, बहुत सारी चीज़ों को देखा।